अबे ओए अंधा बंदा हो रहा क्या, देख के चला ले इसको। अरे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं? हाँ साहब जी मैं ठीक हूँ। अरे तू अंधी बंदी है क्या, बीच रास्ते में चल रही है, कूड़ा चुकना था कहीं और से चुक ले। अरे तुम कैसे बोल रहे हो, गलती इसकी थोड़ी है, गलती तो बाइक वाले की थी, फोन पे बात करते वो चल रहा था, उसको देख के चलना चाहिए था। गलती उसकी नहीं, गलती इसकी है, बीच रास्ते में कूड़ा चुकी क्यों रही है ये। अरे तुम चुप करो यार, एक तो पहले बेचारी को चोट लग जाती, ऊपर से तुम और बोल रहे हो उसको। तू क्यों इसकी इतनी साइड ले रहा है, एक बार उसकी हालत तो देख ले। अरे कबाड़न है वो, कूड़ा चुकती है। अरे तुम चुप करो यार, यार तुम मुझे एक बात बताओ, लड़कियों के तुम कबाड़ा चुक रहे हो, तुम्हारे घर वाले कुछ बोलते नहीं है क्या? अरे साहब जी मेरे तो घर वाले हैं ही नहीं, मैं 4-5 साल की थी जब वो छोड़ के चले गए थे, मैं तो अपनी दादी के साथ रहती हूँ। यार तुम कबाड़ा चुकते हो, तुम कहीं पे जॉब भी कर सकते हो, लड़की कबाड़ा चुकती हुई अच्छी थोड़ी लगती है। अरे साहब जी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, और ना मुझे इतनी समझ है, कौन जॉब देगा मेरे को, और मेरे को कबाड़ा चुगना ही अच्छा लगता है, यही सब करके मैं अपना काम करती हूँ। यही काम करती है ना, तो जा यहाँ से अब। अरे रुक जाओ यार, एक तो बेचारी की मजबूरी, और ऊपर से देखो ठंड कितनी हो रही है, चप्पल भी नहीं डाल रखी पैरों में। हाँ तो इसमें भी हमारी गलती है। तुम चुप करो, तुम एक काम करो, ये 1000 रुपये है ये रख लो, तुम्हारे कुछ काम आएंगे, अपने लिए शूज वगैरह ले लेना। अरे नहीं साहब जी मैं अपना मेहनत करके कमा के खा लूंगी, मेरे को किसी के इतने पैसे की जरूरत नहीं है। सही तो बोल रही है वो, तेरा दिमाग खराब है, इतने सारे पैसे इसने सपने में भी ना देखे होंगे। तुम चुप करो, ये लो मैं अपनी ईमानदारी से दे रहा हूँ, तुम रख लो। धन्यवाद साहब जी, आज के टाइम में ऐसा कोई किसी के लिए नहीं करता जो आप कर रहे हो। हो गई होगी ना खुश। अरे तुम चुप करो यार, जाओ तुम। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी, कितने सारे पैसे दे दिए तूने उसे। अरे फिर क्या होगा यार, भगवान ने हमें इतना सब कुछ दे रखा है, अगर हम उसमें थोड़ी सी किसी की हेल्प कर देंगे हमारा कुछ चला थोड़ी जाएगा। इतना बड़ा दानी कब से हो गया तू। अरे चल बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे साहब जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्यों मैं यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, जब तुम यहाँ बैठ सकते हो तो मेरे बैठने में क्या दिक्कत आ रही है? अरे साहब जी आप यहाँ से चले जाओ, अगर किसी ने आपको देख लिया तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया वाले मेरे बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, पर मुझे इतना पता है जो मेरा मन करता है वो मैं करता हूँ। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सारा दिन कबाड़ा चुकते हो, तुम्हारे घर कहाँ पे है, तुम रहते कहाँ पे हो? अरे साहब जी हमारा कोई भी घर नहीं है, मैं और मेरी दादी तो स्टेशन पे रहते हैं और वहीं पे सोते हैं और जो मिल जाता है वही खाते पीते हैं। यार तुम्हारी एज भी काफी होगी है, तुमने शादी के बारे में सोचा है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है? नहीं नहीं आप कैसी बात कर रहे हो, मैं तो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती, और जब तक मेरी दादी है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती, और मैं तो कबाड़ा चुक के अपना काम चलाती हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा, मेरी तरफ तो कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा, और कौन अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा मुझसे शादी करके। यार तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, यार तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, भगवान ने धरती पे भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा ना। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुमने कुछ खाया? नहीं साहब जी मैं तो बस अपना काम ही कर रही थी। अच्छा चलो आज तुम्हें मैं किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ, चलो। अरे नहीं साहब जी मैं आपके साथ नहीं चल सकती, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी वजह से आपकी भी बेइज्जती होगी। कुछ बेइज्जती नहीं होगी, जब मैं बोल रहा हूँ तो चलो, वो सामने गाड़ी है गाड़ी में चलते हैं, चलो आओ। इसको छोड़ दो, आज के बाद तुम्हें कबाड़ा चुगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ दो इसको और चलो। प्रिंस
इधर आ एक बार। क्या बात होगी? यहाँ बैठ। हाँ बताओ, बैठ गया। मैं जो सुन रही हूँ ये सब सच है के? अरे क्या सुन रहे हो और क्या बोलना चाह रहे हो तुम, साफ साफ बताओ। मैं तेरे मुंह से सुनना चाह रही हूँ, मुझे सच्चाई जाननी है। क्या सच बताऊं मैं? अगर मैं सच बता भी दूंगा क्या आपने मेरी मान ली है? आप तो इसकी और दुनिया वालों की मानते हो, मेरी क्या सुनते हो? तो ऐसे काम करना जिससे तेरे पे भी भरोसा होए। अरे बस पता है कितना विश्वास करते हो कितना नहीं करते हो। अरे सुन तो ले। बस सुन रखी है मैंने। देखा इसका दिमाग कैसा हो गया, जादू टोना हो गया इसके ऊपर, अब आप ही देखो इसे। समझ रही हूँ सब कुछ। खड़ी हो। अरे आंटी क्या हो गया, आप मुझे ऐसे मार क्यों रहे हो? मैं बताऊं क्या हो गया, एक अच्छे खासे घर को उजाड़ने का ठेका जो ले लिया तने, अब सब कुछ मैं ही बताऊं, इतनी शरीफ मत बन। अरे आंटी मैंने कराई क्या है? तूने जो मेरे लड़के को अपने जाल में फंसाया है ना, ये सही नहीं है। सुन तू कबाड़ा चुगने वाली है, अपनी औकात मत भूल वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसे मैंने उस दिन भी समझाया था पर इसकी अकल ठिकाने नहीं आ रही, सोच रही है ना इतने बड़े घर की बहू बन जाएगी। अरे कोई नहीं, ठिकाने नहीं आई तो हम किस लिए हैं? सुन अगर तूने मेरे लड़के का साथ नहीं छोड़ा ना तो समझा रही हूँ प्यार से, ऐसे साफ हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कहाँ गई तू। और देखो मम्मी आज तो इसका हुलिया ही बदल गया, कितना अच्छा और महंगा सूट डाल रखा है। अरे करोड़पति लड़का जो फंस गया, पैसे जो हाथ लग गए इसके, ये सोच रही है कि बहू बन जाएगी इतने बड़े घर की, सपने देखने ना बंद कर दे। और हाँ तू कबाड़ा चुगने वाली है, अपनी औकात को मत भूल। चल बेटा। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम मुझे पार्क में मिलना, तुम कहाँ जा रही हो? अरे साहब जी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और आज से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अरे कमाल है, तुम ये सब क्यों बोल रही हो, किसी ने कुछ बोला है क्या? अरे नहीं नहीं साहब जी, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बोला, और आप मुझसे बात मत करो। समझ गया मैं, तुम चलो मेरे साथ। अरे साहब जी कहाँ? चलो ये क्या कर आया तू? क्यों बहन, मैंने क्या गलत कर दिया, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने कर लिया। रुक तू अभी आई। मम्मी मम्मी जल्दी आओ बाहर। अरे क्या हो गया? वाह दिखा दी ना तूने अपनी औकात, मैं क्या समझा के आई थी तेरे को, नहीं समझ में आई तेरी मेरी बात। अरे मम्मी इसको क्या समझाओगे आप, मैं इससे प्यार करता हूँ और इंसान शादी उसी से करता है जिससे वो प्यार करता है। कम से कम हैसियत देख के तो प्यार कर लेता। तेरे अंदर दिमाग है कि नहीं है, कुछ तो लेवल देखता है इंसान है। क्यों क्या कमी है इसमें, सुंदर ये है, हाइट इसकी अच्छी है, बस भगवान ने ये गलती कर दी ना इसको गरीब बना के। अरे तेरी अकल पर पर्दा पड़ गया के, तू इस कोठी का इकलौता मालिक है, पता है कितनी प्रॉपर्टी हमारे पास, और इसका तेरे से नहीं तेरी प्रॉपर्टी से रिश्ता है, मैं बता रही हूँ तुझे, क्योंकि ये कबाड़े वाली की नजर तेरी प्रॉपर्टी पे है,
बेच खाएगी सब कुछ है, और हमारी इज्जत भी क्या रहेगी समाज में, रिश्तेदार क्या बोल लेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे अब हम किसी को। और कितने सपने देखे थे हमने तेरी शादी के, तू ऐसे ही उठा के लिया है इसे। आपको किस बात का घमंड है? भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है, आपको उस बात का घमंड है? अरे इसमें इसी गलती, इसको गरीब घर में जन्म दे दिया था। वो जरूरी नहीं है अगर मैं पैसे वाली लड़की के साथ शादी करता वो इस घर में टिकती। अरे जब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? और दुनिया वालों का तो काम होता है बोलने का। हम दोनों प्यार करते थे और मैंने इसे शादी कर ली, आज के बाद ये इसी घर में रहेगी मेरे साथ। और अब ये मत सोचना ये फैसला मैंने जानबूझ के लिया है, बस ये याद रखना जो ऊपर वाला कराता है ना सोच समझ के कराता है। और आप ये बात समझ लोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कबाड़े वाली ना इस घर में घुसेगी नहीं। नहीं बेटा बस चुप हो जा, जब तेरा भाई कह रहा है ना बेटा जो कह रहा है ये भी सच है। कुछ फैसले भगवान के अधीन हो हैं, क्या पता भगवान की यही मर्जी हो। अब जब भगवान का ये फैसला होगा तो हम बीच में क्यों आए? अगर हमारी वजह से बेटा एक गरीब लड़की को अच्छा जीवन मिल जाएगा तो हमारा क्या जाएगा? हमने आज के इसको स्वीकार कर लेने में ही भलाई है बेटा। ठीक है मम्मी, माफ करना बेटा, हमने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया।